सेड अगर गॉसिप की बात करें ना, प्लीज बॉलीवुड गॉसिप मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। हाँ, ये तुम्हारा फेवरेट टॉपिक ही है क्योंकि मैं भी बॉलीवुड गॉसिप की बात करने वाली हूँ। विपुल शाह ने अक्षय कुमार का हाथ छोड़कर अब सलमान खान का दामन थाम लिया है। Well, ये बात थोड़ी सरप्राइजिंग है कि सलमान विपुल शाह की अगली फिल्म लंदन ड्रीम्स का हिस्सा है। Well, ऐसी क्या बात है, चलिए विपुल शाह से ही जानते हैं। आंखें, वक्त, नमस्ते लंदन और सिंग इज किंग जैसी फिल्में लाने वाली अक्षय कुमार और विपुल शाह की जोड़ी अब लंदन ड्रीम्स में साथ नजर नहीं आएगी। लंदन ड्रीम्स के डायरेक्टर तो विपुल हैं, मगर कास्टिंग के मामले में अक्षय की जगह ख्वाब पूरे हो रहे हैं सलमान खान के। ये पहली बार होगा जब विपुल शाह अक्षय के बगैर कोई फिल्म करेंगे। कहीं इस जोड़ी के टूटने की वजह कोई मनमुटाव तो नहीं? ऐसी कोई बहुत चौंका देने वाली कोई बात नहीं है। ये प्रोजेक्ट सलमान और अजय के साथ ऑलरेडी था, तो जब दो हीरो ऑलरेडी थे तो फिर अक्षय को इसमें लेने का कोई सवाल नहीं था। ये फिल्म पहले राजकुमार संतोषी जी बना रहे थे, किसी वजह से फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई और बंद हो गई। सलमान की बहुत इच्छा थी कि ये फिल्म बने क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी लगती थी फिल्म। सलमान की जिद के आगे तो विपुल झुक गए, और अगर बात करें पैसों की तो शायद अक्षय की मांगे भी उन्हें माननी ही पड़ती होंगी। आखिर अक्षय सबसे महंगे एक्टर माने जाते हैं, और हो भी क्यों ना। विपुल के मुताबिक अक्षय अपनी कीमत का सही अंदाजा लगाते हैं। अक्षय को वही मिलता है जो वो डिजर्व करते हैं, और सिर्फ ना सिर्फ अक्षय, सारे एक्टर्स को या सारे डायरेक्टर्स को भी। कोई हमारे सर पे कोई बंदूक रख के तो एक्टरों को पैसे दिलवाता नहीं है, तो हर आदमी जो ये कहता है कि भाई एक्टर बहुत पैसे ले रहे हैं तो ना दें। अक्षय के अलावा अगर विपुल किसी दूसरे एक्टर पर भरोसा रखते हैं तो वो है कटरीना कैफ। नमस्ते लंदन के बाद विपुल शाह ने इस जोड़ी को फिर सिंग इज किंग में रिपीट किया। लगता है अक्षय और कटरीना दोनों ही हैं विपुल के लकी मैस्कॉट। अक्षय कटरीना की पहली सक्सेसफुल फिल्म नमस्ते लंदन थी साथ में। हिंदी सिनेमा ने बहुत सारी बहुत कमाल की जोड़ियाँ देखी हैं, और अगर ये जोड़ी उन जोड़ियों की संगत में जाके बैठेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। कटरीना और अक्षय ने तो विपुल की किस्मत पलट दी है। अब अगर अक्षय के हाथों लंदन को नमस्ते कहलवाने वाले विपुल उन्हें ही लंदन ड्रीम्स देखने देते तो शायद और मजा आता। खैर क्या पता, सलमान के होने से ये लंदन ड्रीम्स विपुल को हकीकत में फिर कामयाबी दिला दे। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई।